हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एच पैरामीटर का बेसिक्स देखा था, इंट्रोडक्शन टू टू पोर्ट नेटवर्क, एच पैरामीटर का डिटरमिनेशन कैसे होगा वो देखा था। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अगर कुछ भी नहीं देखें अपने से प्रैक्टिस कैसे करना है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा। अगर एग्जाम में आता है कि एच पैरामीटर डिराइव करो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए या फिर उसका नॉमेनक्लेचर करो, तो कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एच पैरामीटर है तो टू पोर्ट नेटवर्क होगा। मेरा टू पोर्ट नेटवर्क है मतलब एक इनपुट पोर्ट होगा, एक आउटपुट पोर्ट होगा। ठीक है, इनपुट में भी इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इस साइड आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। याद कैसे रखना है कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, ट्रांजिस्टर इज करंट ऑपरेटेड डिवाइस, मतलब इनपुट में करंट देते हैं तब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। तो पहला वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो गया आई आई। अब एक और वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, कैसे पता करेंगे, ये करंट लिए हैं तो आउटपुट साइड में वोल्टेज लेंगे। ठीक है, तो ये दो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इनपुट साइड में करंट लिए हैं, आउटपुट साइड का वोल्टेज लेंगे। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये है इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट कौन सा होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो चीज है, बाकी क्या होगा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट। ठीक है, तो अभी इक्वेशन लिखना है, जब ये चीज पता चल गया नेक्स्ट है इक्वेशन लिखना। तो इक्वेशन में क्या होगा, एलएचएस साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वी आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, क्या करते थे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा एच वन वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आई आई प्लस एच वन टू, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वी नॉट। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे एच टू वन आई आई, एच टू टू वी नॉट। ठीक है, इक्वेशन लिखा गया, अब हम लोगों को एच पैरामीटर डिटरमाइन करना है। तो ये क्या, ये याद रखना है एच वन वन को एच आई कहते थे, इसको एच आर कहते थे, इसको एच एफ और इसको एच नॉट। ये भी हम लोग देखेंगे कैसे ये किया है। तो ये हम लोग देखे थे कि अब अगर एच वन वन फाइंड करना है, मतलब अगर एच आई फाइंड करना है तो क्या करते थे, एच वन वन फाइंड करना है तो मतलब बगल वाले टर्म का जो वेरिएबल है उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो वी नॉट जीरो, तो एच वन वन क्या हो जाएगा, वी आई डिवाइडेड बाय आई आई व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग के लिए पहले ये कंडीशन देखते हैं। यहाँ कंडीशन में क्या है, आउटपुट वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। और ये क्या है, वोल्टेज बाय करंट इंपीडेंस होता है, और क्योंकि ऊपर नीचे ये दोनों इनपुट वाला है इसलिए शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपीडेंस, ये क्लियर है। और ये इनपुट इंपीडेंस है इसीलिए यहाँ पे ये आई लिखे हैं। सिमिलर वे में एच वन टू क्या करेंगे, एच वन टू फाइंड करना है तो अब इस टर्म के बगल वाला जो टर्म है उसका वेरिएबल को जीरो करेंगे, दैट मीन्स अभी हम लोग आई आई को जीरो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एच आर इक्वल्स टू एच वन टू क्या होगा, वी आई बाय वी नॉट, वी आई बाय वी नॉट व्हेन आई आई इज जीरो। अब जब करंट जीरो रहता है तो उसको कहते हैं ओपन सर्किट, इसीलिए इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज, हम लोग ये जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होता है वोल्टेज गेन, यहाँ पे उल्टा है मतलब रिवर्स है, इसीलिए इसका नाम होगा ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में ये भी करना है, एच टू वन निकालना है तो एच टू वन के लिए क्या करेंगे, बगल वाले टर्म का ये जीरो कर देंगे, तो एच टू वन क्या होगा, आई नॉट बाय आई वन, आई नॉट बाय आई आई व्हेन वी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ वोल्टेज जीरो है, डैट मीन्स इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और ये क्या है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो ये क्या होता है, करंट गेन होता है। और ये क्योंकि उल्टा नहीं है ये सही है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, इसीलिए इसको एच एफ भी कहते हैं, एफ मतलब फॉरवर्ड। लास्ट में है एच टू टू, एच टू टू निकालने के लिए क्या करेंगे, आई आई को जीरो करेंगे, तो एच टू टू क्या होगा, आई नॉट बाय वी नॉट व्हेन आई आई इक्वल्स टू जीरो। अब करंट जीरो है दैट मीन्स नेमिंग में आ जाएगा ओपन सर्किट, और आई बाय वी मतलब करंट बाय वोल्टेज ये होता है एडमिटेंस। ठीक है, और ये दोनों ही ऊपर नीचे दोनों ही आउटपुट है इसलिए ओपन सर्किट
आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। इतना हो गया, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब यूनिट देखा जाए तो वोल्टेज बाय करंट इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस का यूनिट होता है ओम। ये वोल्टेज बाय वोल्टेज यूनिटलेस होगा ये। सिमिलर वे में करंट बाय करंट ये भी यूनिटलेस होगा। और ये क्या है, करंट बाय वोल्टेज ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ ओम, मतलब इसका यूनिट होगा ओम। तो इतना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। और सभी पैरामीटर, ये जो चार पैरामीटर है सबका यूनिट अलग अलग है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। तो आज अब जो नेक्स्ट हमारा जो आज के लेक्चर का काम है वो है कि हम लोग इससे सर्किट कैसे बनाएंगे, ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास उससे हम लोग सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम लोगों को देखना है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी एक सेट ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों एक ही है, बस यहाँ एच वन वन की जगह एच आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इससे इक्वेशन लिखेंगे। ये लिखने के पहले एक चीज हम बताते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ये क्या दिखाता है कि एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R, अगर हम लोग को इसके इससे सर्किट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि एक R वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इससे करंट I पास कर रहा है जो कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा है, V पोटेंशियल। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही इक्वेशन से मिलता है, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर हम लोग LHS इक्वल्स टू RHS कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग जब कोई भी दो चीज़ को ऐड करते हैं तो वो दो चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैथ्स में क्या है, 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो कितना होगा, तो ये नहीं बता सकते हो क्योंकि एप्पल और मैंगो दो डिफरेंट चीज़ है, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही बोला जाएगा कि 2 एप्पल प्लस 5 एप्पल, इसको आराम से ऐड कर सकते हैं कि हाँ ये 7 एप्पल होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि कोई भी दो चीज़ को अगर हम ऐड कर रहे हैं इसका मतलब वो सेम यूनिट का है, ठीक है। मतलब हम लोग वोल्टेज को 5 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 5 वोल्ट प्लस 3 एम्पियर को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये वाला टर्म H11I1 और H12V0 ये दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, डैट मीन्स कि इन दोनों का यूनिट सेम होगा। और क्या चीज़ का यूनिट होगा, ये इक्वल किसके है, Vi के, मतलब इसका वोल्टेज है यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म है इसका भी यूनिट वोल्ट होगा और इसका भी यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ क्या है, LHS में करंट है, मतलब इसका यूनिट एम्पियर में है, ठीक है। और I नॉट इक्वल्स टू क्या है, ये वाला टर्म प्लस ये टर्म, तो ऑब्वियसली ये भी एम्पियर में होगा, ये भी एम्पियर में होगा, सेम यूनिट है तभी ये ऐड हो रहा है और सेम यूनिट है तभी ये इक्वल है, ठीक है। ये एम्पियर प्लस एम्पियर जब ऐड होगा तो हमको एक एम्पियर ही देगा, और LHS में भी एम्पियर होगा, RHS में भी एम्पियर होगा। तो मतलब ये है कि उसका यूनिट जो होता है कोई भी इक्वेशन में अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी यही कॉन्सेप्ट ले करके अभी हम लोगों को आगे ये देखते हैं कि ये सर्किट कैसे बना। तो ये चीज़ क्लियर है सबको कि V इक्वल्स टू आई आर है जैसे, तो ये V आई आर इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस है R, उसके अक्रॉस I फ्लो कर रहा है करंट, और जो कि क्या कर रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमको ये दो इक्वेशन के मदद से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी आई एक वोल्टेज है, ठीक है। हम लोग दो टर्मिनल बनाए और कहे कि ठीक है ये एक वोल्टेज मेरे पास है, इक्वल्स टू एच वन वन आई वन, और एच वन वन का यूनिट हम लोग क्या देखे थे अभी, ओम। इसका मतलब ये क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये इम्पीडेंस है, ये करंट है, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि R के जगह भी क्या है, एच वन वन, मतलब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एच वन वन जिसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई आई, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब V इक्वल्स टू आई आर होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस R है, इसके साथ में जो I है उतना करंट R के अक्रॉस फ्लो करता है। तो इस टर्म को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्म ड्रॉ हो गया H11I1, इसमें ध्यान क्या रखना है, कैसे पता चला कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि H11 का यूनिट क्या आता है, ओम,
ठीक है, ओम मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट, इसीलिए एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू क्या है H11, और इसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है II, ये टर्म हो गया। प्लस अब ये वाला टर्म H12V0, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि H12 जो था वो हम लोग देखे थे कि ये डायमेंशनलेस है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, डायमेंशनलेस मतलब कांस्टेंट, तो ये एक वोल्टेज है वी नॉट और ये कांस्टेंट है, मतलब 2V0 3V0 ऐसे हो सकता है, तो हमको ये एक वोल्टेज सोर्स बनाना है। अब वोल्टेज सोर्स ऐसे करके क्यों नहीं बनाए, ये प्लस माइनस ऐसे बनाते हैं ना, इसको ऐसे क्यों किए, क्योंकि ये वाला जो साइन होता है वो दिखाता है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था ना वी नॉट, इसीलिए ये दिखा रहा है कि ये जो मेरा वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये H12V0 हो गया, तो एक इक्वेशन से ये एक सर्किट बन गया। अभी अगर हम लोग इसमें केवीएल लगाएंगे तो वही चीज आएगा, VI इक्वल्स टू क्या होगा, II H11 प्लस H12V0। तो एक इक्वेशन से ये वाला एक पार्ट बन गया सर्किट का, इतना पार्ट। अब दूसरा इक्वेशन से दूसरा पार्ट बनाएंगे हम लोग, दूसरे इक्वेशन में देखते हैं क्या है, I0 मतलब एक करंट है, इसका मतलब ये वाला चीज भी करंट देगा और ये वाला चीज भी करंट है, ठीक है। तो अभी क्या है, H21II, ये एक करंट सोर्स है, हम लोग अभी देखे थे H21 क्या था, डायमेंशनलेस था, मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है ये पूरा एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स को क्या करते हैं, ऐसे बना के एक एरो देते हैं, तो ये करंट सोर्स यहाँ आ गया। प्लस H22 का यूनिट क्या था, मो, ठीक है, तो H22 मतलब एक रेजिस्टेंस है H22, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V0, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्किट बना, ये सर्किट बनाने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इक्वेशन से सर्किट कैसे बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान है। इसमें बस ये समझना है कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड करते हैं और इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक जो हमारा सर्किट डायग्राम क्रिएशन था वो था, और हम सोचे थे कि आगे का जो भी सिलेबस है उसका प्रेजेंटेशन और जो मटेरियल है वो हम खुद से तैयार करें, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है और देख रहे हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं क्लासेस के लिए और वीडियोज़ के लिए, तो इतने कम टाइम में हम प्रिपेयर तो नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल सारा मटेरियल खुद से, तो इसीलिए इंटरनेट पे एक बहुत अच्छा ही नोट्स मिला है, हैंड रिटन नोट्स है, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और पढ़ने के पर्पस से भी सही है, तो उससे हम बता देंगे, उसी से हम समझाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन अभी हम प्रिपेयर नहीं किए हैं, ओके। लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हम उस नोट्स का मदद लेंगे पढ़ाने में, ठीक है, वो हम शेयर भी कर देंगे तुम लोगों के साथ, या फिर नेट पे अवेलेबल भी है, सर्च भी कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग अब चलते हैं उस PDF की तरफ। सो ये है हमारा BJT एम्पलीफायर का जो नोट्स हम बोल रहे थे एच पैरामीटर पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है ये, और हैंड राइटिंग भी बिल्कुल क्लियर है, तो आप लोग सभी इसको रेफर कर सकते हैं, और क्योंकि इतने कम टाइम में हम जैसा बोल चुके हैं कि हम प्रिपेयर नहीं कर पाए प्रेजेंटेशन, तो हम इसी से बताएंगे, और बहुत क्लियर है ये, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एस पैरामीटर से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को, इसमें ये वही चीज़ लिखा हुआ है हर कुछ, ये सारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, II V0 VI और I0 डिपेंडेंट वेरिएबल है, इक्वेशन में कैसे लिखना है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इक्वेशन में लिखे जो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो भी डिस्कस हो चुका है, और यहाँ पे शायद कहीं पे कुछ गलत था तो वो देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं, एच पैरामीटर मॉडल जो है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं अल्फाबेटिकल नोटेशन में, ये भी हम लोग देख चुके हैं, उससे सर्किट कैसे बनाते हैं वो भी देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ तक, ये जो सर्किट है वहाँ तक क्लियर हो चुका है हमारा। अब आते हैं एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ एच पैरामीटर, यहाँ ये BENI नहीं होगा, यहाँ ई होगा, ठीक है, बेनिफिट्स होगा, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लेना है। तो इसका बेनिफिट्स बहुत सारा है और ये पूछता भी है एग्जाम में कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एच पैरामीटर्स, तो ये सारा कुछ इसका एडवांटेज है, ये रियल नंबर एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जो एच पैरामीटर होता है उनका वैल्यू रियल होता है, इजी टू मेजर, ये बहुत ही आसान होता है मेजर करने में, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांजिस्टर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व,
कन्वीनियंट टू यूज इन सर्किट एनालिसिस, इजीली कन्वर्टेबल फ्रॉम वन कॉन्फिगरेशन टू अदर. ये हम लोग देखेंगे कि अगर कॉमन एमिटर का लेट से हम लोगों को एच पैरामीटर पता है, तो सेम एच पैरामीटर से हम लोग कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं. वो फॉर्मूला है कन्वर्जन का. तो ये बहुत ही आसान होता है एक कॉन्फिगरेशन से दूसरे कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट करना. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफाई द एच पैरामीटर्स. ऑब्वियसली जो बहुत ही आसान होगा यूज़ करने में, तो सारे मैन्युफैक्चरर्स वही यूज़ करेंगे. तो हम जान रहे हैं सारे पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि आप लोग को ये नहीं समझ में आएगा ट्रांजिस्टर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो कोई बात नहीं है इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो बेनिफिट और एडवांटेज ये आपको पढ़ लेना है ये वाला चीज़. अब आते हैं हमारा, अभी तक जो पढ़े थे वो जनरलाइज्ड वर्जन था, लेकिन बस वही चीज़ यहाँ पे भी काम आएगा. अब अभी हम लोगों ने देखा कि दो इक्वेशन था हमारे पास, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ किया था. अब करना है कि एच पैरामीटर मॉडल फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन. लेट्स से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, किसी ने बोला कि उसका एच पैरामीटर मॉडल कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मॉडलिंग हम लोग किए थे ना, इसी को कहते हैं मॉडलिंग करना. ठीक है, तो अभी कोई बोलेगा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग करना है, एच पैरामीटर मॉडलिंग. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बनाएंगे. तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, ये डायग्राम है. हम लोग जानते हैं कॉमन एमिटर मतलब एमिटर कॉमन रहेगा इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी. तो वही है, ये एमिटर है जिसपे एरो रहता है. ये हम लोग देखे हैं, जो भूल गए हैं वो ट्रांजिस्टर वाला जो मॉड्यूल था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, वो जा करके रिवाइज कर सकते हैं. तो कॉमन एमिटर में एमिटर को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, डेट मीन्स कॉमन करते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेस एमिटर जो जंक्शन हुआ ये मेरा इनपुट हुआ, और कलेक्टर एमिटर जो हुआ वो आउटपुट हुआ. इनपुट के बेस में क्या होगा, आई बी इनपुट करंट. ये वही करंट है जो कि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा रहा है. ठीक है, हम लोग बोले थे ना ट्रांजिस्टर इज करंट ऑपरेटेड डिवाइस. तो ये आई बी जो है वो क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. वी बी क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया. इधर आउटपुट, कॉमन एमिटर में आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर से लेते हैं. ये सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं इसमें बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर में, कि अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट कहाँ से होगा, इनपुट में करंट क्या होगा, आउटपुट कहाँ से लेंगे, ये सारा कुछ बता चुके हैं. तो यहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वाला जा करके और वीडियो या फिर पीडीएफ या कहीं से भी किसी भी बुक से एक बार रिविजन कर लेने ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे क्या है, ये इनपुट साइड में इनपुट करंट आई बी है, इनपुट वोल्टेज वी बी है. आउटपुट हम लोग लेते हैं कॉमन एमिटर में कलेक्टर से, तो कलेक्टर करंट आई सी ये मेरा आउटपुट करंट होगा, और ये जो वी सी है कलेक्टर वोल्टेज वो मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा. ठीक है, ये वी सी सी क्या होता है, बायस वोल्टेज है, और आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस है. यही होता था हमारे जो सिंपलेस्ट जो ट्रांजिस्टर का सर्किट होता है. अब इसको हमको मॉडल करना है एच पैरामीटर में. तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देख लिए, अब ये बता दिए आई बी है इनपुट करंट, आई सी है आउटपुट करंट, वी बी इनपुट वोल्टेज, वी सी आउटपुट वोल्टेज. अब मॉडलिंग के लिए हम लोग जानते हैं एच पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क के लिए होता है. टू पोर्ट में हम लोगों को चार वेरिएबल होना चाहिए, चार में से दो इंडिपेंडेंट और दो डिपेंडेंट. तो अभी हम लोगों को मिल गया ये चार वेरिएबल, आई बी, आई सी, वी बी और वी सी. ठीक है, चार वेरिएबल हो गया. अब इसमें से दो इंडिपेंडेंट होगा, दो डिपेंडेंट होगा. कैसे पता करना है कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट के लिए क्या बताए थे, ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, तो इनपुट करंट जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. तो एक तो ये आई बी इंडिपेंडेंट हो जाएगा. अब इनपुट करंट ले रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज लेंगे, दैट मीन्स कि आई बी और वी सी ये दोनों जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, आई सी और वी बी. ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गया. अब क्या करना है कि जो सर्किट या जो डायग्राम हम लोग पहले जो बनाए थे मॉडल, सेम वही चीज़ है. देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ एक करंट सोर्स, यहाँ एक रेजिस्टेंस, हर कुछ सेम है. करना क्या है, बस हम लोगों को इसका नाम चेंज करना है. जैसे ये वाला जो डायग्राम था जो हम लोग जनरलाइज्ड मॉडल बनाए थे, ये वाला सेम सर्किट सेम मॉडल वहाँ पे बना हुआ है. ठीक है, सेम मॉडल, लेकिन अंतर क्या है, आई आई मतलब इनपुट करंट, तो आई आई की जगह क्या लिखेंगे वहां पे, आई बी. ठीक है, क्योंकि कॉमन एमिटर में इनपुट करंट क्या होगा, आई बी होगा. एच आई, एच आई की जगह क्या लिखेंगे, एच आई ई. ये हम बताए थे कि अगर कॉमन एमिटर है तो एच आई की जगह एच आई ई लिखेंगे, अगर कॉमन बेस होता तो एच आई बी लिखते. बस यही सब अंतर है. यहाँ जैसे आई नॉट है आउटपुट करंट,
तो कॉमन एमिटर के लिए आउटपुट करंट क्या होगा? कलेक्टर करंट, इसलिए आई नॉट की जगह आई सी लिख देंगे। ठीक है, बस यही छोटा छोटा चेंज है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता था, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ देखे हैं, इनपुट वोल्टेज है वी बी, तो वी बी लिख दिए। पहले डायग्राम में क्या रहता था, वी आई, वी आई की जगह वी बी लिखे। यहाँ क्या होता था, एच आई, एच आई की जगह लिखेंगे एच आई ई। ई क्या, ई डिनोट करता है कि ये जो हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं वो कॉमन एमिटर के लिए है। फिर होता था आई आई, ये करंट इससे पास करता था आई आई, इनपुट करंट की जगह लिखेंगे आई बी, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट करंट क्या है, आई बी। यहाँ क्या होता था, एच आर वी नॉट, ठीक है, पहले वाले इसमें। तो अभी क्या होगा, एच आर ई मतलब कॉमन एमिटर के लिए एच आर, और वी नॉट आउटपुट वोल्टेज हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, वी नॉट की जगह लिखेंगे वी सी। यहाँ पे भी सेम इसी तरह आउटपुट करंट यहाँ होता था, कॉमन एमिटर के लिए आउटपुट करंट आई सी है। इधर साइड होता था एच एफ आई आई, तो एच एफ के साथ एक ई लिख देंगे जो कि डिनोट कर रहा है ये कॉमन एमिटर के लिए है, और आई आई मतलब इनपुट करंट, इनपुट करंट हमारा यहाँ बेस करंट है इसलिए आई बी लिखे। एच नॉट की जगह एच ओ ई लिखे, वी नॉट की जगह वी सी लिखे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सर्किट बन गया। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या सर्किट के पहले भी इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, पहले इधर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, और ये सारा वेरिएबल तो पहले से हम लोग जानते हैं, एच आई एच आर एच एफ एच ओ। ठीक है, सिर्फ ई लिखना है क्योंकि ये कॉमन एमिटर है। तो करन बाकी सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे एच आई ई क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोग पहले लिख रहे थे। एच आई ई के लिए ये बगल वाला टर्म क्या करते थे, जीरो करते थे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जीरो नहीं करके लिखेंगे कि ये जो वी सी है उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। पहले क्या करते थे कि वी नॉट को जीरो कर देते थे, पर यहाँ पे क्या करेंगे कि एच आई ई इक्वल्स टू वी बी बाय आई बी व्हेन वी सी इज कॉन्स्टेंट। और ये डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, क्योंकि अब हम लोग एक ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में आ गए हैं, ट्रांजिस्टर का बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट वी बी और आई बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जो हर इंस्टेंट चेंज करे, तो किसी भी इंस्टेंट हम लोग को एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे चेंज इन लेते हैं कि चेंज इन वी बी बाय चेंज इन आई बी। ठीक है, सिमिलर वे में चारों हम लोग निकाल सकते हैं। एच आर ई क्या हो जाएगा, ये बगल वाला जो आई बी है उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो एच आर ई इक्वल्स टू क्या होगा, वी बी बाय वी सी व्हेन आई बी कॉन्स्टेंट, और साथ में ये डेल्टा मतलब चेंज इन वी बी बाय चेंज इन वी सी। ठीक है, इस सेम तरीका है ये चारों पैरामीटर को निकालने का। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर एच पैरामीटर मॉडल बनाने आता है किसी भी ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सेम सर्किट पहले बना देना है। ठीक है, और किसी भी अगर कॉमन बेस का लेट से आया बनाने कि कॉमन बेस का एच पैरामीटर मॉडल बनाना है, तो कॉमन बेस के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या होता है, आई बी होगा, आई सी होगा, आई ई होगा। ठीक है, तो कॉमन बेस में क्या होगा, इनपुट में होता है एमिटर, आउटपुट साइड होता है कलेक्टर। तो कॉमन बेस के लिए मेरा इनपुट करंट आई ई होगा। तो जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे आई बी लिखे हैं, आई बी है इनपुट करंट, लेकिन अगर कॉमन बेस के लिए बनाने आएगा तो क्या होगा, आई ई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का मॉडलिंग करना है उस कॉन्फ़िगरेशन का हमको ये चार वेरिएबल पता करना रहता है कि इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट कौन सा है। चार पता करने के बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इक्वेशन उसी टर्म में लिखते हैं। तो ऑलवेज जो इनपुट करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और बाकी जो दोनों होता है मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, बस यही हमको पता करना है बेसिकली कि हमारा इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, ये चारों वेरिएबल पता करना रहता है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि इनपुट आउटपुट करंट और वोल्टेज क्या क्या है, उसके बाद जो मेरा मॉडल था जनरलाइज्ड, बस उसमें हमको सिर्फ ई या बी ये सब लगा देना है। तो अगर कॉमन बेस बना रहे हैं तो ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज की जगह जो आएगा वो लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज है वी ई हो जाएगा, और एच आई के एच आई ई की जगह क्या होगा, एच आई बी, सब चीज़ सेम रहेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ नीचे अभी पूरा एक समराइज्ड वे में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे,
लोग आराम से इसमें अपने से जब कॉपी करोगे या हम ऐसे बोलेंगे कि इसको प्रिंट आउट करा के और अच्छे से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कॉमन एमिटर हम लोग देख लिए, लेट से कॉमन बेस का बात करते हैं। तो कॉमन बेस में अभी क्या हो रहा है, कॉमन बेस में हम लोग ये देख रही है थोड़ा स्लाइड थोड़ा सा उल्टा है तो वो मैनेज कर लेना। कॉमन बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस कॉमन रहेगा, इनपुट साइड में एमिटर रहता है, आउटपुट में कलेक्टर रहता है। तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज वी ई होगा, इनपुट करंट आई ई होगा, आउटपुट वोल्टेज वी सी होगा, आउटपुट करंट आई सी होगा। तो चारों पता चल गया, ठीक है। तो अब सेम सर्किट बनाएंगे, ये देखो जो सर्किट यहाँ था सेम सर्किट यहाँ है, अंतर क्या होगा, सिर्फ ये जो नेमिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या था, वी भी था, लेकिन अभी हम लोग देखें इनपुट वोल्टेज यहाँ क्या होगा, वी ई, क्योंकि कॉमन बेस में इनपुट साइड में एमिटर रहता है इसलिए होगा एमिटर वोल्टेज, ठीक है। और ये इस रेजिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा, जब कॉमन एमिटर था तो एच आई ई था, अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो एच आई बी है। इनपुट करंट क्या हो जाएगा, एमिटर करंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये एच आर ई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच आर बी, आउटपुट वोल्टेज वी सी ही है, सेम है। सिमिलर वे में यहाँ एच एफ बी हो जाएगा, बी मतलब ये कॉमन बेस के लिए है, यहाँ आउटपुट करंट तो आई सी ही था, ठीक है, यहाँ आउटपुट आई सी है, ये एच नॉट बी। तो ऐसे ही हमारा ये होगा, यहाँ ये थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ये आई ई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला था वो क्या था, एच एफ आई आई, मतलब एच एफ और इनपुट करंट जो है, तो इनपुट करंट हमारा ई है तो ये आई ई है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर कॉमन कलेक्टर के लिए देखते हैं तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर साइड कॉमन रहता है, ठीक है, तो इनपुट में होगा बेस, आउटपुट में होगा एमिटर। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ इनपुट वाला है वहाँ वहाँ बेस लिखेंगे, जहाँ जहाँ आउटपुट साइड है जो आउटपुट क्वांटिटी है वहाँ पे ई आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वी नॉट होता था आउटपुट वोल्टेज तो यहाँ लिखे हैं वी ई, यहाँ आउटपुट करंट क्या हो जाएगा आई ई, ठीक है। और इसी के बेसिस पे इक्वेशन, इक्वेशन भी बहुत आसान है, इक्वेशन में भी कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग जानते हैं ये तो हमेशा सेम रहेगा, ये चार जो एच पैरामीटर है, बस उसमें यहाँ कॉमन एमिटर है तो ई लग जाएगा, कॉमन बेस है तो बी लग जाएगा, कॉमन कलेक्टर है तो सी लग जाएगा, और ये क्वांटिटी उसी हिसाब से चेंज होगा जो जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से। तो इसमें समझने वाला बात यही है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में इनपुट साइड में कौन सा टर्मिनल रहता है, आउटपुट साइड में कौन सा टर्मिनल रहता है। तो कॉमन एमिटर, जब एमिटर कॉमन है तो इनपुट में बेस होगा, आउटपुट में कलेक्टर होगा, जब कॉमन बेस है, जब बेस को कॉमन कर लेते हैं तो इनपुट में एमिटर है, आउटपुट में कलेक्टर होगा, और जब कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर कॉमन होगा दोनों साइड में, इनपुट में बेस होगा, आउटपुट में एमिटर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है, थोड़ा सर्किट डायग्राम है, मॉडलिंग है, तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।